हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार और मेरा जो प्रोफेशन है एज ए सीनियर एडवोकेट, राइट। और आज भर फिर मैं आज आपसे एक अच्छे और एक बेहतरीन टॉपिक पे मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट मीन्स कि अगर हम लोग मेहनत नहीं करते, अगर हम मेहनत नहीं करते तो किसी भी फील्ड में हम उम्मीद नहीं लगा सकते या हम आशा नहीं कर सकते कि हम आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ तक मैं बात करूँ टैलेंट की, टैलेंट एक हिंदी में बोलूँ तो प्रतिभा, एक यूनिक आपकी क्वालिटी, वो कोई भी स्पेशल क्वालिटी जिसके अंदर आप अंदर तक जाना चाहते हैं और उस क्वालिटी के बेस पर आपकी पहचान बनती है। मीन्स कि टैलेंट जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं तब तक टैलेंट आपका किसी काम का नहीं है। चाहे आपका टैलेंट डांसिंग में है, चाहे आपका टैलेंट स्टडी में है, चाहे आपका टैलेंट किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी प्रोफेशन में है। और जब आप दिल से मन से एक क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं, क्रिएटिविटी ग्रो करते हैं अपने उस टैलेंट के पॉइंट पे, उस टैलेंट के पॉइंट पे जिसमें आपका एक कंसंट्रेट है कि मैं इसमें कुछ बेहतरीन कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप जब हार्डवर्क करेंगे तो आपका टैलेंट तो निखरेगा ही निखरेगा, साथ ही साथ आपकी उम्मीद बन जाती है कि भाई मैं इस फील्ड के अंदर ये स्पेशल कर सकता हूँ और मेरी यूनिक क्वालिटी ये है। अगर आपके अंदर टैलेंट है और मेहनत करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, हार्डवर्क करने के अंदर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो भी आप अधूरे हैं। मीन्स कि एक ऐसी चीज़ हो गई कि आपके पास है तो बहुत कुछ, आपके पास पीने के लिए पानी है, लेकिन आप उसको मुँह तक लाने के लिए, आप उसका स्वाद लेने के लिए, अपनी अंतरात्मा की प्यास बुझाने के लिए आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको लेकर के आप अंदर तक उसको ले जाएं। तो यही चीज़ वो होती है कि टैलेंट तो आपके अंदर है लेकिन आप हार्डवर्क नहीं करते, आप कंसंट्रेट नहीं करते कि मैं इस चीज़ को बहुत ऊँचाइयों तक टॉप पर कैसे ले जा सकता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि पॉजिटिविटी जितनी भी आपके अंदर होती है, वो पॉजिटिविटी भी तभी काम करती है जब उसके साथ आप मेहनत करते हैं। और पॉजिटिविटी प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू टैलेंट। टैलेंट को अगर हम प्लस कर दें, पॉजिटिविटी प्लस हार्ड वर्क प्लस टैलेंट इज इक्वल टू योर सक्सेस। मींस कि आपने मेहनत भी किया, आप लोगों के अंदर पॉजिटिव आइडियाज़ भी हैं और पॉजिटिव आइडियाज़ होने के साथ साथ आप टैलेंटेड भी हैं, तो आई कैन से दैट परफेक्टली देन यू आर गोइंग टू योर गोल, कि आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे आने वाले टाइम में